मैथमेटिक्स का रोल ही वही है, चीजों को आसान करना। हमें लगता है कि मुश्किल हो जा रहा है उससे, और लेकिन असल में चीजें आसान होती है। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँ मैथमेटिक्स के बारे में। वैसे तो खैर अपना डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैंने एक्चुअली कुछ मूवीज देखी थी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी, बहुत ही अमेजिंग मूवीज थी, उससे मेरा दिमाग थोड़ा और खुला मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आई नेवर थॉट ऑफ मैथमेटिक्स इन दैट वे, और आपने भी कभी सोचा भी नहीं होगा। दो मूवीज थी, एक थी रामानुजम से रिलेटेड, जिसमें वो स्लमडॉग मिलियनेयर वाला बंदा जो है, देव शायद वो एक्टर था, और हाँ द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक तो ये मूवी थी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एक मूवी थी अ ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश की मतलब के ऊपर मूवी है वो, और उनको सिज़ोफ्रेनिया था और भी बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन मैथमेटिशियन बहुत अमेजिंग थे, राइट। और एक बार मेरे को अगेन इस तरह से मतलब काफ़ी फील है कि मैथमेटिक्स हमें नॉर्मली क्या लगता है, क्वेश्चंस करना, ये करना, वो करना, और हमें बहुत ही मतलब मुझे भी खास तौर पे यही लगता था कि यार क्या करे जा रहे पेपर पे, रियल लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। 9-10 तक का तो फिर भी समझ में आता था, जैसे इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, मतलब समझ में इन द सेंस समझ में ना भी आए पर यह समझ में आता है कि ज़रूरी है। लेकिन 10th के बाद जब बहुत डिटेल में हम जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, एलजेब्रा के अंदर, तो कई बार नॉट फॉर एवरीवन बट बहुतों को ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये तो बड़ा मतलब इन द सेंस बोरिंग नहीं है, है तो चैलेंजिंग, बट स्टिल हम लगे हुए हैं सवाल करने में, क्या ये कहीं पे किसी भी एंगल से मीनिंगफुल है। मुझे इसका जवाब उस समय नहीं मिला, बिकॉज टीचर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन मैथमेटिक्स, 99% मैथमेटिक्स को मतलब कैसे पढ़ाते हैं, आर्ट की तरह नहीं पढ़ाते, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरह से पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन हो जाए बस, सॉल्व हो जाए, आंसर निकाल दो। मैथमेटिक्स का फील किसी ने नहीं दिलाया, और शायद मैंने एज्यूम कर लिया था लाइफ में कि शायद मैं भी पढ़ा था, काफी बड़े टीचर्स से पढ़ा था, इट वॉज टॉट बाय लेट मिस्टर वी के बंसल, लेकिन वो भी मैथमेटिक्स बहुत अमेजिंग पढ़ाते थे, लेकिन जो फील वाली बात होती है ना, ओवरऑल सब्जेक्ट कहाँ यूटिलाइज हो रहा है रियल लाइफ में, उसका तो कोई ए बी कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब मैंने समझा तो मुझे मैथमेटिक्स की ऐसी फील आई जो मैं भूला ही नहीं कभी भी, बाद में, ये अभी कुछ साल पहले आई। उसमें फंडा ऐसे हुआ जब मैंने ऑब्जर्व किया एक बार कि एवरीथिंग अराउंड अस हैज सम पैटर्न, एंड दैट पैटर्न कैन बी डिकोडेड बाय मैथमेटिक्स। जैसे कि एक बॉल को जब हम फेंकते हैं तो उसका जो पाथ आता है कैसा आता है, पैराबोलिक, पता है सभी को। तो पैराबोलिक पाथ आता है, तो टर्म कहां से आया, क्योंकि उस पाथ को मैथमेटिक्स ने कोड कर दिया। अब बॉल को आप फेंकोगे तो मैथमेटिक्स से हमें पता लग जाएगा कि वो कहां पे जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, हर चीज में मैथमेटिक्स होती है। एक रॉकेट जब यहां से लेके उसको मार्स तक या आगे तक पहुंचाया जाता है उसको, तो उसमें बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती है, और उस मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही उसका पूरा ट्रेजेक्ट्री से लेके सब कुछ वर्क करता है। तो मैथमेटिक्स हर चीज के पैटर्न को डिकोड करने का तरीका है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, किसी भी तरह का चीज हो रही है, मैथमेटिक्स कैन फाइंड अ वे ताकि हम उसमें आगे प्रेडिक्टेबिलिटी ला सके, ताकि हम कुछ काम कर रहे हैं और अगर हमें उसका पैटर्न पता है तो हमें पता है कि कुछ देर के बाद क्या होगा। मैथमेटिक्स इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन फाइंड पैटर्न इन एनी सिंगल थिंग। जैसे बॉल है, बॉल को हमने उछाला, अब अगर हमें सारे कंडीशन प्रैक्टिकल पता है जिस भी तरह के, कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, सब चीज अगर हमें ढंग से पता है, तो यू कैन प्रेडिक्ट कि कितने टाइम वो बाउंस करेगी, उसके बाद लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिजिक्स में आपको लगातार उसका एप्लीकेशन दिखेगा, केमिस्ट्री में आप सभी को फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक लेवल पे उसका रोल आएगा, सबसे ज्यादा किसमें आएगा, फिजिक्स में। तो मैथमेटिक्स इज अ अमेजिंग लैंग्वेज। आगे जाके जहां पे पैटर्न्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके लिए हमें जो इन डेप्थ मैथमेटिक्स है वो आना चाहिए होता है। तो जो हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, पूरा कैलकुलस पढ़ते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स के अलग अलग पार्ट को डील करता है। पर फंडामेंटली ये कर क्या रहा है, फंडामेंटली ये पैटर्न्स को डिकोड कर रहा है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल दैट कोई भी पैटर्न है मैथमेटिकल लैंग्वेज उसकी है। इट्स फैसिनेटिंग दैट कोई रीजन है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्योंकि सिविल इंजीनियर, आई एम अ सिविल इंजीनियर पर मैं गया नहीं उस फील्ड में, वो अलग बात है, सिविल इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था। कई सारी आजकल केव्स बनी होती हैं, केव्स बोल रहा हूँ मतलब जो टनल्स होती है, जो तो टनल जो बन रही होती है उसके बहुत प्रोसेस होते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी कि उसको बनाया जाए, लेकिन ये सारा सॉल्ट जो ये बना पाए हैं उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज विदाउट दैट हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली एक तो ये रीजन कितना है, ये वॉल्यूम कितना आएगा एग्जैक्ट,
कर्व्स का, और भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, लोड कहाँ कहाँ कितना कितना पड़ेगा। फिजिक्स हमें ये बताएगा कि वो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स हमें बताएगा कितना हो रहा है और कैसे कैलकुलेट करूं उसको। यही सारे पैटर्न्स को सॉफ्टवेयर्स के अंदर डाल दिया गया है पहले, लेकिन ह्यूमनली मैन अपन उसको कैलकुलेट करते, मतलब बनाते हैं पहले पैटर्न्स को और फिर उसके बेसिस पे आगे लाइफ ड्राइव होती है। तो आई थिंक नाउ मे बी टुडे यू कुड हैव अंडरस्टूड कि जो मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं 11वीं 12वीं में, इसके बहुत ज्यादा प्रोफाउंड एप्लीकेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, इन एवरी सिंगल थिंग एंड स्पेशली वेयर द प्रेसिजन इज रिक्वायर्ड। इट्स फैसिनेटिंग। आगे जाके जब अपना ये फर्स्ट ईयर आता है IITs में, जिस भी कॉलेज में, आई थिंक वही करिकुलम सिमिलर होगा, तो उसमें अपना मैथमेटिक्स दो बार आता है, फर्स्ट में और सेकंड सेम में, दो सेम में आता है, शायद कहीं कहीं पे थर्ड सेम तक भी होता है। फिजिक्स भी दो तक आता है, केमिस्ट्री एक बार आता है, ऐसा होता है। तो वहां पे और भी डिटेल में हो जाता है। जैसे यहाँ पे जब अपन वो पढ़ते हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं, पता ना सभी को, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने को एरिया अंडर कर्व वगैरह आता है। ये टू डायमेंशन से चीजें कहां पहुंच जाती हैं, थ्री डायमेंशन, कि भाई ये तो ऑन पेपर का एरिया देख रहे हो, अब मान लो कोई थ्री डायमेंशन सरफेस है तो क्या करोगे। तो बहुत अच्छे लेवल का फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है। केमिस्ट्री यहां से पढ़ के जाने के बाद आपको बहुत आसान लगती है। केमिस्ट्री में प्राइमरीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही नेम्ड रिएक्शन और कुछ चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, तो केमिस्ट्री तो सॉल्ट हो जाता है वहां जाते ही, इट बिकम्स वेरी इजी। मैथ्स और फिजिक्स रिलेटिवली नेक्स्ट लेवल आता है, तो मजा आएगा। तो आप भी मैथमेटिक्स को एक अलग नजरिए से देखो, अपने आप ही फील आ जाएगी आपको, यू सी एवरीथिंग।